रहता का उल्टा चश्मा। खुशखबरी ये है कि अमिताभ बच्चन जी ने हम सभी को, हमारे कुकुलधाम वासियों को, कौन बनेगा करोड़पति शो में आमंत्रित किया है। अरे इतना सन्नाटा क्यों है भाई? ये हमारी गोकुलधाम सोसाइटी भी कमाल की है। जब खुशियां मनानी होती है तब सन्नाटा हो जाता है, और जब सन्नाटा होता है तब खुशियां मनाते हैं। अरे भाई सच कह रहा हूं, कोई मजाक मस्ती नहीं कर रहा हूं। नहीं हो रहा है, खुद अमिताभ जी बच्चन जी ने हमको कौन बनेगा करोड़पति में खेलने बुलाया है। अब हुआ यू असित जी, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से। हमें आपके बनाए शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम से एक काम था। बताइए बताइए सर, हमारी तारक मेहता का उल्टा चश्मा की हस्ती खेलती प्यारी गोकुलधाम सोसाइटी से आपको क्या काम है? एकदम सही कहा आपने। देखिए गोकुलधाम सोसाइटी के इसी गुण के कारण तो मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा का फैन हूँ। आपके आशीर्वाद बनाए रखना जी। क्या बात है सर, क्या बात है, आज तो एकदम खुशी का दिन है। आप लोग पूरे भारत के लिए एक प्रेरणा हैं। कैसे आप सब एक साथ त्योहार मनाते हैं, कैसे अलग अलग समुदाय के लोग एक सोसाइटी में प्रेम पूर्वक रहते हैं, जैसे जैसे बगीचे में अलग अलग फूल खिलते हो ना वैसे। और तो और आप लोग मिलकर जो समाज कल्याण के कार्यों में लगे रहते हैं, जनसेवा में संलग्न रहते हैं, ये देखिए बहुत ही अद्भुत बात होती है। थैंक यू सर। तो गोकुल धाम सोसाइटी के इन्हीं नेक कार्यों को देखते हुए मैं चाहता था कि आपकी इस सम्मानित सोसाइटी के सभी सदस्य ये हमारे मंच पर आए और हमारे साथ कौन बनेगा करोड़पति खेले। सर बताइए बताइए, कहाँ आना है, कब आना है? देखिए समय और तारीख मैं तय कर चुका हूँ भाई साहब। मौका है, हमारे कार्यक्रम है शानदार शुक्रवार और समय है रात 9 बजे। वाह 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 आसिफ भाई, अरे क्या खुशखबरी दी आपने, ये होती है खुशखबरी। वाह, अमिताभ बच्चन जी को करीब से देखेंगे, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। ओ कुड़ाए, मैं तो सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की बहुत बड़ी फैन हूँ। तो है रोशन डार्लिंग, वो बच्चन जी का फैन कौन नहीं है? सही बात है, कौन बनेगा करोड़पति देखने में इतना मजा आता है, तो उनके साथ खेलने में कितना मजा आएगा। वो तो है, सवाल ही नहीं है। अरे ऐसा मौका तो नसीब वालों को मिलता है। सच में सब लोग कौन बनेगा करोड़पति में आने के लिए तैयार है ना? अरे बिल्कुल तैयार, थनगन रहे हैं। ये पूछने वाली बात है। बिल्कुल तैयार है बाबूजी। मैंने बोला था ना, बहुत 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 मतलब जबरदस्त, बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो गोकुलधाम वासियों, टप्पू सेना, जनरल नॉलेज के बराबर तैयारी करना। यस। एक दो सवाल में फेल मत हो जाना, ये तो हमारी सोसाइटी का टप्पा कुल। नहीं नहीं, सेक्रेटरी साहब आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल, आप चिंता मत कीजिए, एकदम निश्चिंत हो जाइए, मेरा जनरल नॉलेज और जनरल नॉलेज दोनों पक्के, मैं शो बहुत अच्छे से खेलूंगा। अरे बेटे तुम सिर्फ अकेले क्यों खेलोगे, हम में से कोई भी केबीसी में खेल सकता है।
हाँ हमारे गोकुल धाम में बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग हैं। बहुत सारे क्या, सारे इंटेलिजेंट हैं। हाँ? सही बात है। हाँ हाँ कल हम सब कौन बनेगा करोड़पति खेलेंगे और शानदार इनाम भी जीतेंगे। ये हुई ना बात। जेठिया। हाँ बाबूजी। ये आईने के सामने खड़े रह के मुंह क्यों पोंछ रहा है? नहीं नहीं मुंह नहीं पोंछ रहा था बाबूजी, मैं तो अपनी मूंछों को संवार रहा था। क्यों? अरे बाबूजी याद है एक बार अमिताभ जी बच्चन जी हमारी गोकुल धाम सोसाइटी में आए थे, तभी उन्होंने मेरी मूंछों की कितनी तारीफ की थी कि मूंछे हो तो जेठालाल जी जैसी हो वरना ना हो। मेरा ऐसा मन कह रहा है कि मूंछे हो तो जेठा भाई जैसी हो वरना ना हो। हाँ, तो? अरे तो कल हम कौन बनेगा करोड़पति में जा रहे तो उनके सामने मेरी मूंछों का जरा वट पड़ना चाहिए ना, इसलिए जरा मूंछों को संवार रहा था। सिर्फ मूंछों का? नहीं नहीं मेरा भी वट पड़ेगा बापूजी। कल मैं ऐसा जोरदार तैयार होकर जाऊंगा अमिताभ जी बच्चन जी के सामने कि हमारे बचाव के लोग जब भी मुझे टीवी पर देखेंगे ना तो अपने दांतों तले ऐसे उंगली दबा के बोलूंगा हा 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 देखो तो हमारे बचाव के जेठालाल चंपकलाल गड्डा को अमिताभ जी बच्चन जी का सामना क्या वट पड़ रहा है। ए भाई वहां मूछों से और कपड़ों से वट नहीं पड़ना है, अपने ज्ञान से वट पड़ना है, समझा? हाँ उधर हर सवाल के सही सही जवाब देना, कुछ गड़बड़ मत करना। बिल्कुल नहीं। हाँ पापा अब केबीसी के सवालों के लिए अपने दिमाग को थोड़ा तेज कर लीजिए। अरे बेटा तुझे तो पता नहीं मैं व्यापारी हूँ और एक व्यापारी का दिमाग एकदम तेज ही होता है, बस देखना मैं क्या झलवा दिखाता हूँ कौन बनेगा करोड़पति में। अमिताभ जी बच्चन जी मुझे सवाल का जवाब के ऑप्शन देंगे ना उसके पहले ही मैं जवाब दे दूंगा। अच्छा हाँ तो सर मेरे एक सवाल का जवाब पूछिए। तू रोज जो सीढ़ी चढ़ के घर पे आता है उस सीढ़ी में कितने पकड़ती है? सीढ़ी वो कंपाउंड में है वो? हाँ वो काली वाली। हाँ मेहता सबके घर के बाजू में वो ही ना। अरे तो और कौन सी सीढ़ी चढ़ के तू घर पे आता है? जेठा नहीं नहीं मैं कंफर्म कर रहा हूँ बाबूजी। ओके वो सीढ़ी में कितने पगथी है बराबर? ओके क्या हुआ पापा नहीं पता? एक मिनट जरा शांति रख भाई, गिनती भुला दीजिए, शांति रख जरा। 12। गलत जवाब पापा। क्या गलत जवाब? 12 नहीं है। तो कितनी है? 15। गिनी है तूने? देखा जेठिया तू रोज जिस सीढ़ी से चढ़ के घर पे आता है उसमें कितने पगथी है वो भी तुझे नहीं पता। पता नहीं वहाँ कौन बनेगा करोड़पति में क्या करेगा। तो बापू जी अमिताभ जी बच्चन जी मुझे ऐसा सवाल थोड़ी पूछेंगे कि रोज मैं कितने पगथी चढ़ के घर पे जाता हूँ या रोज मैं कितना ग्लास पानी पीता हूँ। क्या बच्चन साहब किसी भी विषय पे कुछ भी पूछ सकते हैं, तुझे हर सवाल के जवाब के लिए तैयार रहना पड़ेगा। बापू जी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं कल एकदम डट के जवाब दूंगा और सभी सवाल के सही जवाब मुझे सही समय पे याद आ जाए उसका मैंने एक नुस्खा ढूंढ निकाला है। क्या? अभी 2 ग्लास गर्मा गर्म बादाम वाला दूध पी के सो जाऊंगा, कल पूरा दिन मेरा दिमाग एकदम तेज तर्रार दौड़ने लगेगा। अरे वाह क्या बात है पापा, आप मेरे और दादाजी के लिए भी 1-1 ग्लास बादाम वाला दूध बना देंगे? हाँ अभी बना देता हूँ गर्मा गर्म बादाम वाला दूध। वाह वाह दादाजी पापा का कॉन्फिडेंस तो देखिए, मुझे तो लगता है कल पापा ही 7 करोड़ रुपए जीत लेंगे। हाँ तू देखना कल कौन बनेगा करोड़पति में जेठिया धूम मचा देगा। क्या आँख हो गया? मैं तो ख्यालों में कौन बनेगा करोड़पति खेलने की तैयारी करने लगा था बापू जी। अरे वाह कर 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 तैयारी कर, सॉरी तुझे डिस्टर्ब। अरे नहीं सॉरी कर कर तैयारी कर।
वाह वाह, यकीन नहीं हो रहा है, सोसाइटी में 1 करोड़ रुपए आएंगे। अरे भिड़े बड़ा सोच, 1 करोड़ क्या, 7 करोड़ जीत के लाएंगे। हाँ सोचना तो बड़ा सोचो, छोटा क्यों है? एक काम करते हैं, 7 करोड़ आएंगे ना तो सारे के सारे पैसे मैं सोसाइटी फंड में डाल दूंगा। तो मैं आज परम तुकरा मिड़े गोकुला सोसाइटी का 1 महीने के लिए जाहिर करता हूँ कि सबको लाइफ टाइम के लिए मेंटेनेंस फ्री। फ्री करो, इनकी तो चिंता ही खत्म मेंटेनेंस की। और जेठालाल, तुमसे हर महीने मेंटेनेंस का चेक मांगने का झंझट भी खत्म हो जाएगा मेरा। मुझे भी तेरे हर महीने का ताने से छुटकारा मिल जाएगा। नहीं 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 नहीं, अगर हम 7 करोड़ जीतेंगे तो सोसाइटी फंड में क्यों डालेंगे, हम सब आपस में बांट लेंगे। क्यों, हम सबकी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। ओए, हम सब करोड़पति बन जाएगा जी। अरे हमारी गोकुलधाम सोसाइटी करोड़पति सोसाइटी हो जाएगी। अरे भाई, हमारी सोसाइटी का नाम बदल जाएगा, करोड़पति गोकुलधाम सोसाइटी। तो टोल वाले बजाओ टोल तो बड़ा बहुत। अरे भाई एक मिनट, अरे भाई एक मिनट, देखो हमारी गोकुलधाम सोसाइटी हमेशा समाज के लिए अच्छा काम करती है, तो मैंने सोचा है कि कौन बनेगा करोड़पति में जो भी हम खेलेंगे और जो भी इनाम मिलेगा उसे हम समाज सेवा के लिए उपयोग करेंगे। और कोई अच्छी संस्था जो समाज के भलाई के लिए काम करती होगी उसको ये जीती हुई रकम हम समर्पित कर देंगे। वाह वाह आशीष बेटा, ये तुमने बहुत अच्छा सोचा है। थैंक यू चाचा जी, हम लोग ऐसा ही करेंगे। सही बात है, वाह चांद विचार है। मेरे नसीब में जेठा से मेंटेनेंस का चेक मांगना है ही। लेकिन इतने सारे स्वयंसेवी संस्थान हैं, इतने सारे फाउंडेशंस हैं, तो पैसा किसे देंगे? हाँ, किसे ऐसे को देना चाहिए ये पैसा जो ये पैसों का सही इस्तेमाल करे। बिल्कुल एकदम सही कहा जेठा भाई आपने। मैंने एक संस्था सोची है, युवा अनस्टॉपेबल। अच्छा, कुछ नौजवान लोगों ने मिलके एक संस्था बनाई थी और आज वो संस्था में हजारों नौजवान जुड़ गए। ओहो, वो समाज कल्याण का काम करते हैं, जरूरतमंद लोगों की सेवा करते हैं, खास करके छोटे बच्चों की। वाह, इनको पढ़ाई कराना, स्कूल कॉलेज की फी भरना। वाह, आज कोविड के चलते ऑनलाइन ट्यूशन चालू हो गए, तो सबको कंप्यूटर दिलाना और बच्चे लोगों को पढ़ाई कराना। ओहो, सरकारी स्कूलों में टॉयलेट बनाना। अरे हाँ, मुझे पता है इनके बारे में, मैंने इस संस्था के ऊपर एक आर्टिकल भी लिखा है हमारे तूफान एक्सप्रेस में, बहुत जबरदस्त काम करते हैं ये लोग। अच्छा, तो फिर ये तेरा गोकुलधाम वासियों, हम ये इनाम की रकम उन्हें ही देंगे, बरोबर ना? थैंक यू, ये तो ईश्वर के आशीर्वाद है। हमको अमिताभ बच्चन जी के साथ कौन बनेगा करोड़पति खेलने भी मिलेगा और समाज सेवा का काम भी होगा। और भिड़े भाई, आपको याद है ना, हमारी टप्पू सेना ने झुग्गियों में जाके बच्चों को पढ़ाया था। बिल्कुल बच्चों, तुम लोगों ने जो भी किया था उस वक्त, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। बस वही काम हम लोग मिलके युवा अनस्टॉपेबल के साथ करेंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, अरे आशीष भाई बहुत जबरदस्त सुझाव दिया आपने। ये पैसा ऐसी संस्था को देना चाहिए जो सही मायने में समाज सेवा करती हो, क्योंकि ऐसी संस्था को पैसा देने से हमारे मन को अच्छा लगेगा, हमारी आत्मा को अच्छा लगेगा। हाँ, और आत्माराम को भी अच्छा लगेगा। हाँ तो अच्छा तो लगेगा ही ना, मेरी सोसाइटी का नाम जो ऊंचा हुआ है। मेरी? अरे तुला आम्ही सेक्रेटरी काय बनवला, तूने तो सोसाइटी खिसात टाकली। नहीं नहीं, मेरी मतलब हमारी सोसाइटी का। हाँ आशीष भाई, जरा ये तो बताइए कि जाना कब है? अरे हाँ, अरे हाँ, अरे भाई कल दोपहर को, सब लोग अपने जनरल नॉलेज के साथ तैयार रहना। आशीष भाई, वो प्रोग्राम तो रात को आता है।
तो दोपहर में जाने का क्या फायदा? अरे भाई छोड़ी, जाने को भी तो टाइम लगेगा। वहाँ जाके देखेंगे किसको कहाँ बैठना है, क्या करना है, थोड़ी फॉर्मेलिटीज भी होती है। बराबर, सही बात है। हाँ आशीष भाई, आप चिंता मत कीजिए, हम सब कल दोपहर को ही निकल जाएंगे। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलम सोसाइटी का एक मेल सेक्रेटरी घोषणा करता हूँ कि हम सब कल केबीसी में जाएंगे और वहाँ पे धूम मचाएंगे। एक सेकंड रुको, क्या हुआ? एक दुविधा है मेहता साहब, आपको क्या दुविधा है? अरे बच्चन साहब ने हम सबको बुलाया है, लेकिन कौन बनेगा करोड़पति में, हॉट सीट पे कौन बैठेगा? अरे भाई मैं आप लोगों से नहीं, आसिफ भाई से पूछ रहा हूँ कि वहाँ हॉट सीट पे कौन बैठेगा, ये निर्णय कैसे होगा? अरे मेहता साहब, ये पूछने की बात है, जब अमिताभ बच्चन जी ने हम सबको बुलाया है तो वो सोचेंगे, हम सबको तो बस हमारे जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। हाँ हाँ, पूरी जमकर तैयारी करेंगे और जबरदस्त खेलना है। अरे अब तो सब लोग जबरदस्त तैयारी करेंगे, कौन बनेगा करोड़पति में जबरदस्त इनाम जीत के लेके आएंगे। यस, बजाओ भाई, अब बजाओ। अरे मेहता साहब, अभी क्या दुविधा है? अरे मुझे नहीं, जेठालाल को पूछो। असित भाई एक प्रश्न है। अरे भाई प्रश्न तो कल केबीसी में पूछे जाएंगे, चलो बताइए आपका क्या प्रश्न है? अभी क्या है कि वो कौन बनेगा करोड़पति में हम सब एक साथ में जाएंगे कैसे, क्योंकि वाहन हमारे पास सिर्फ दो ही है, एक छोटी की गड्डी और एक सखारा। तो एक काम करेंगे ना जेठालाल, सात आठ रिक्शा कर लेंगे, जाएंगे उसमें। यार भिड़े, नहीं जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, नॉर्मली कहीं जाना हो तो जा सकते हैं, लेकिन अब कौन बनेगा करोड़पति में एक साथ ऐसे आठ रिक्शा आएंगे तो थोड़ा अजीब नहीं लगेगा? हाँ सारू नट्टी लगते। अरे भाई आप सब लोग ये चिंता मत करो, कैसे जाएंगे क्या करेंगे, अरे आप सब लोग ना जनरल नॉलेज पक्का करो, हमको एकदम जम के खेलना है। हाँ लेकिन, अरे भिड़े भाई, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी के लिए मैं मिनी बस बुक करूंगा। आप चिंता छोड़ दीजिए, मैं मिनी बस लेके आऊंगा और हम सब लोग साथ में गोकुलधाम वासी मिल के हम लोग कौन बनेगा करोड़पति शो में जाएंगे। ये सही रहेगा। अरे वाह क्या बात है, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को मैं विनंती करता हूँ, सब लोग टाइम पे तैयार हो जाना, अमिताभ बच्चन जी को कहीं हमारे लिए वेट ना करना पड़े। हाँ हाँ बिल्कुल नहीं। आशीष भाई आप चिंता मत कीजिए, हम सब गोकुलधामवासी टाइम पे तैयार हो जाएंगे। ओ जेठालाल तुम भी टाइम पे रेडी हो जाना। अरे भाई वो लेट क्या, बिफोर टाइम पहुंच जाऊंगा मैं। हाँ अमिताभ जी बच्चन जी को मिलने का मौका जिंदगी में बार बार नहीं मिलता। चलो अभी घर जाते हैं और केबीसी की तैयारी करते हैं। हाँ बिल्कुल, चलो। तो फिर हम कौन बनेगा करोड़पति में जाएंगे और धूम मचा के आएंगे, मजा। पोपटलाल पैसे दे दूंगा। बाय बाय, तो कल मिलते हैं कौन बनेगा करोड़पति में। बाय। अरे भाई तुम लोगों की तैयारी हुई कि नहीं? अरे जेठिया बच्चों को क्या बोल रहे हैं, तुम लोग की तैयारी हो गई? हाँ मतलब, अरे जेठा जी आप यार टिफिन लेके कहाँ जा रहे हो, हम तो केबीसी में गेम खेलने आए हैं ना। अरे बबीता जी मैं इसमें अमिताभ जी बच्चन जी के लिए जलेबी फाफड़ा लेके जा रहा हूँ। अरे अरे भाई आप लोग क्या टाइम पास कर रहे हैं भाई, गेम की सीरियसनेस को समझो, चलो चलो लेट हो रहा है। हाँ चलो 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 आगे, सब लोग आगे आगे, चलो 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 आजा आजा चलो आगे। एक मिनट, आप लोग सब खेलने की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन देखा आपने कि हॉट सीट सिर्फ दो है, कौन दो लोग खेलेंगे, हम तो इतने सारे लोग हैं। अरे हम सब तो आ गए यहाँ पे, लेकिन जो हमें यहाँ पे लेके आए वो कहाँ है आसिफ भाई? अरे भाई आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। बोलिए बोलिए क्या हुआ? आप देख रहे हैं आपके, चलो चलो चलो। अरे हॉट सीट तो दो ही है, खेलेंगे कौन कौन?
अरे वो देखते हैं ना, पहले चलते तो है। तो साथियों, जिस घड़ी की प्रतीक्षा थी वो घड़ी आ गई। हम गोकुल धाम निवासी पूरे उमंग और उत्साह के साथ तैयार हैं कौन बनेगा करोड़पति खेलने के लिए। तो चलिए अब देखते हैं केबीसी तारक मेहता का उल्टा चश्मा के साथ शानदार शुक्रवार में 9 बजे सोनी टीवी पर। और हाँ, सबसे बड़ी बात, कौन बनेगा करोड़पति खेलने के बाद यहाँ गोकुल धाम में क्या हंगामे होते हैं जानने के लिए जरूर देखिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। आज का दिन कन्या राशि वालों के लिए शुभ रहेगा, जीवन साथी मिलने के आसार हैं। आज आपने मुझको बेस्ट कंट्रोल के लिए बुलाया था ना? ये क्या हालत कर दिया करके। माधवी भाभी, मैं अब्दुल को फोन करके बोल देता हूँ कि लड़की वालों को आपके घर भेज दे। हाँ ठीक है ठीक है। पोपटलाल जी, ये लोग कौन है? जब से कौन बनेगा करोड़पति में आपको देखा, तब से मैं आपकी फैन हो गई हूँ। हम लोग आपसे हमारी बेटी नेहा की शादी के सिलसिले में बात करने आए थे। हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे यूट्यूब चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।